हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं लेकर आई हूँ सक्यूलेंट में जो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला प्लांट, जिसे लक्ष्मी कमल का नाम दे दिया गया है। तो इसकी क्या सच्चाई है और ये लक्ष्मी कमल है भी या फिर बस ऐसे ही इसके बारे में बातें की जाती हैं, तो पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और आज हम इसकी केयर से लेकर और जितनी भी इसकी ऑल अबाउट इसकी जानकारी है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। सक्यूलेंट मीन होता है कि बहुत गूदेदार रस वाला, मतलब एकदम से जिसमें बहुत ज़्यादा बाउंसी जैसा होता है, उस प्लांट को बोलते हैं। और ये पानी बहुत कम पसंद करते हैं। और बात करें अगर इसकी सैंड की, तो इसे ऐसी सैंड चाहिए जिसमें बहुत आसानी से पानी निकल जाए, वेल ड्रेनेड सॉइल इसे चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल इसे पसंद होती है। तो इसमें थोड़े से आप बारीक स्टोन्स डाल सकते हैं और सैंड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम 70% इसकी सॉइल में सैंड होनी चाहिए, 10% कोकोपीट और 20% नॉर्मल गार्डन सॉइल जो होती है। इसे कंपोस्ट की भी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे डालने की कोई नीड ही नहीं है। और बात करते हैं इसके न्यू प्लांट्स किस तरीके से बनते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे, एक ये बड़ा मदर प्लांट है और उसके आसपास छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से बेबी प्लांट निकले हुए हैं। और ये बड़ी आसानी से हो जाता है। पता नहीं क्यों लोग इसे के बारे में ऐसी उल्टी सीधी जानकारियां देकर इनके रेट बढ़ा देते हैं। कभी कहते हैं कि ये लक्ष्मी कमल है, इनसे इन्हें लगाने से घर में धन संपत्ति आती है और पता नहीं क्या क्या इनके बारे में बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कमल जो होता है, सभी को पता है कमल क्या चीज़ है और कमल को लक्ष्मी जी का प्रिय माना गया है। तो कमल ही कमल हो सकता है, कमल की सेप जैसा और कोई प्लांट कमल नहीं हो सकता, लक्ष्मी कमल तो बिल्कुल भी नहीं। और ये प्लांट इतना ईजिली हो जाता है, इसकी जो एक एक लीव्स है उसमें कई कई प्लांट छिपे हुए हैं। आप इसकी एक लीव तोड़ के डाल दीजिए, उसमें 4-5 प्लांट अपने आप उगाते हैं। और ये एक्स्ट्रा अपने आसपास से जो इसकी रूट्स होती हैं उनमें से तो प्लांट्स छोड़ता ही है। तो इसके बारे में बेकार में ही ऐसी जानकारी देते हैं लोग कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है उनकी वजह से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये एक अपनी लोकल नर्सरी से ही 100 रुपीज़ का ख़रीदा था और करीब 5-6 महीने में ही मेरे पास इसके 7-8 प्लांट और न्यू तैयार हो गए। क्योंकि जब मैंने लिया था तो इसमें छोटे छोटे प्लांट्स निकले हुए थे। तो आप भी ये ध्यान रखें कि प्लांट एकदम से हेल्दी सा लेना है और ये ज़रूर देख लीजिए कि उसकी रूट्स के साथ न्यू प्लांट निकल रहे हैं या नहीं। और ये एक दूसरी वैरायटी है सक्यूलेंट की। सक्यूलेंट की एक खास बात होती है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और इनकी कोई खास केयर भी नहीं करनी होती, सिर्फ इन्हें पानी से बचाना होता है। पानी बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं चाहिए। तो जैसे बारिश का मौसम है उस समय इन्हें थोड़ा ढक के या शेड वाले एरिया में रखने हैं। ये देखिए, ये मैंने खुद उन्हीं लीव्स के साथ उगाए हैं न्यू प्लांट। और भी कई वैरायटी हैं, तो जितनी भी लीव होती हैं मैं तोड़ तोड़ के डालती रहती हूँ और न्यू प्लांट अपने आप तैयार होते रहते हैं। कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। और बस इसकी एक केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि बारिश और सर्दियों के मौसम में इसे बचा के रखना पड़ता है। इसे भी लक्ष्मी कमल कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़े समझदार बनिए, इस तरीके की बातों में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए, प्लांट लक्की होते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे मन को सुकून देते हैं, हमें खुश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर में लगाएंगे और एकदम से धन संपत्ति सब कुछ बरसात हो जाएगी। ये तो सिर्फ हमारे मन की तसल्ली होती है। कुछ ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ हमने करी और उसके होने के साथ ही अच्छा हो गया, तो हम उस चीज़ को लकी मानने लगते हैं। ये अपने विचार हैं लोगों के, इसमें तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी भी प्लांट के पीछे पागल मत होइए कुछ भी पैसे खर्च करने के लिए कि ये बहुत अच्छा लकी प्लांट है तो हम खरीद लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सही जानकारी और पूरी जानकारी लेकर ही किसी प्लांट को ख़रीदें।
और इसकी केयर भी बहुत अच्छे से करें। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं मुझे, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।